सिद्धू भाजी। हाँ जी। आज हमारी महफिल में यहाँ पे कैसी लड़की आने वाली है? हाँ। जो है तो विदेशी, हाँ, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी देसी बन चुकी है। जूता हालांकि विदेशी से देसी बनना इतना इजी नहीं होता, बिकॉज भाजी अपब्रिंगिंग में बड़ा फर्क होता है। करेक्ट। हमारे यहाँ आज भी बच्चों को वैसे पढ़ाया जाता है जैसे आज से 80 साल पहले पढ़ाया जाता था। आ से अनार, आ से आम, आ से अमरूद। अगर कोई बच्चा बोल दे तो मास्टर का मुंह खुद फटे अमरूद जैसा हो जाता है कि बच्चे ने इंप्रोवाइज किया, करने दो उसको। अब विदेशों में देख लो, वहां पे थोड़ी टेक्निक अलग है। अगर बच्चा मास्टर से पूछता है ना, उसको बड़ा डिटेल में बताते हैं। सर व्हाई इज सन सो हॉट, आराम से बताता है। रिसर्च बड़ी की होती ने। लिसन ये लिटिल बॉय, देयर इज अ लॉट्स ऑफ गैसेस व्हिच आर वन अगेंस्ट साइड, दैट्स व्हाट सन इज। और भी 5-6 ग्रहों के बारे में बता रहा, क्योंकि पता है उनको। हमारे यहाँ मास्टर से पूछना बच्चा, सर जी सूरज गर्म क्यों होता है? क्योंकि हमारे बच्चे भी कंफ्यूज हैं, मास्टर खुद नहीं पता बेचारे को, तो भड़केगा ही वो, उसका मुंह सूर्य से भी गर्म हो जाता है। अच्छा, तो सूर्य गर्म होने से प्रॉब्लम है? ठंडा करूं चल पानी डालूं उसमें मैं? थप्पड़ मार के ना मुंह सूर्य से भी ज्यादा गर्म कर दो बड़े बदतमीज के। सूर्य गर्म है, सूर्य गर्म है, सुबह से पीठ गर्म है, घुमौरी निकले सूर्य गर्म की, क्योंकि टेंशन बड़ी उनको। अच्छा, विदेशों के जो डॉक्टर हैं वो देखो वो किस तरीके से बात करते हैं। लिसन वी आर डूइंग अवर बेस्ट, रेस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ द पेशेंट विल रिस्पॉन्ड, हैव फेथ। हमारे डॉक्टर देखो जी, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो कर रहे हैं कोशिश, ऊपर वाले सब ऊपर वाले के हाथ में दे देते, अपने हाथ में पैसे के अलावा कुछ नहीं लेते। कई कई बार हमारे डॉक्टर ना नर्स को पकड़ा देते हैं, भाई करो करो तुम काटो। देखो जिंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में है, अगर बचना आएगा मेरे काटने से बच जाएगा, नहीं बचना तो तुम्हारे काटो। बाद में कहना डॉक्टर साहब मौका दे, काटो काटो। अच्छा, विदेशों में ना लोग चेंजेस बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए वो 5-7 साल बाद बीवी गाड़ी सब कुछ बदल देते हैं। है? उनका कल्चर ऐसा। हमारे यहाँ पे आदमी को इतनी आदत हो जाती पुरानी चीजों से, प्यार हो जाता है। भाजी मेरी खुद की ये प्रॉब्लम है, मेरे को कोई पुराना शर्ट या पैंट पसंद आ जाए मैं छोड़ता नहीं उसको, घुटने निकल आएंगे वो, चाहे पहनना छोड़ दूं लेकिन घर से नहीं निकालनी। आदमी एक ही शर्ट में 15-15 साल निकाल देता है, वो जब घिस जाती है यहां से निकल जाती फट जाती है, उसके बाद रात को पहन के सोने लगता है, फिर और फट जाती है, फिर उसका पोचा बना लेता है, फिर गाड़ी साफ करके उसको फेंकना नहीं। ये इंडियन मेंटेलिटी है, इंडियन मेंटेलिटी भाजी। हम लोग चीज फेंक ही नहीं सकते, हमारा प्यार हो जाता है उस चीज से। इतना बीवी से प्यार नहीं होता जितना उस चीज से प्यार होता है। और टी शर्ट जो पहन के सोते हैं ना, जिसमें नींद आती है उसी में आती है। और टी शर्ट को भी पता होता है कि साहब किस करवट सोएंगे, टी शर्ट की शेप वैसे ही बन जाती है, टी शर्ट वैसे ही डिजाइन हो जाती है। अब देख लो टूथब्रश हम लोग कहाँ फेंकते हैं, पहले टूथब्रश ऐसे पूरा जेंटलमैन होता है, उसको कर करके कर करके जब टूथब्रश खुल जाता है ना पूरा टूथब्रश, फिर भी नहीं हटते, फिर जूता साफ करने के लिए रख लेंगे, फिर वो पूरे बाल जब पोपला हो जाता है बुजुर्ग हो जाता है, फिर उसको सलवार में नाला डालने के लिए रख लेंगे। मतलब इंडिया में आज भी देख लो आप, अरेंज मैरिज हो जब, तो आज भी लड़की चाय की ट्रे लेके आती है। हाँ। इस चक्कर में बड़े कपड़े टूटे क्योंकि नीचे देख के आती है मशीन। लेके आ रही है, ये सिस्टम होता है, लड़का देख रहा है शर्मा रहा है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है भाजी, जो अरेंज मैरिज वाले होते हैं ना, ये थोड़े ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, क्योंकि लव मैरिज वाले चलो एक दूसरे को जानते हैं पहले से, एक दूसरे के विचार पता है। अरेंज मैरिज वाले सीधा ही स्वागरात पे घूंघट उठाते बदतमीजी शुरू कर देते। पर खैर, ये हमारा एक बुजुर्गों ने एक चीज बनाई हुई है कि लड़की चाय की ट्रे लेके आएगी, लड़का देखेगा। विदेशों में चाय पानी नहीं देते क्योंकि लड़का लड़की ने पहले इतनी बार कॉफी पी चुके होते हैं कि कभी कभी लड़की लड़के को घर वालों से मिलने आती है तो गुड न्यूज लेके ही आती है कि हमारी कैपेचिनो तैयार है। वहां के लोग बड़े इनफॉर्मल होते हैं। छोटा सा बच्चा देखा मैंने, अपने अंकल को नाम लेके बुला रहा था, हाय जॉन हाउ आर यू, जॉन भी ओह आई एम फाइन लिटिल बॉय हाउ आर यू, कूल रहते हैं। हमारे यहाँ आप छोड़ो नाम किसी ताऊ का नाम ले, ए मुकंदीलाल के, मुकंदीलाल मुक्का मार के मुंह शकरकंदी जैसा कर देगा, क्योंकि हमारा कल्चर बिल्कुल अलग है। अब ब्रिंगिंग ऐसी हुई है, अब बड़ों बुजुर्गों के नाम तो छोड़ो, आज भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती, ए जी ओ जी कह के टाइम निकाल लेती हैं। आप एक और चीज नोटिस करना कभी, ये जो ए जी ओ जी कह के बुलाती ना, ये 3G की स्पीड से ज्यादा तेज बच्चे पैदा करती हैं। उसके पीछे रीजन है क्योंकि उनको पति को नाम लेके कैसे बुलाएं, फिर उनको एक गुड्डू टाइप की ए जी सुनते हैं गुड्डू के पापा, तो ए जी के बाद गुड्डू एडजस्ट करने में पूरा साल जो लगता है उसमें काफी टाइम जाता है इस प्रोसेस में। आई तो क्या कहा गया है गुरु।
अच्छा विदेशों से जो लोग इंडिया आते हैं ना वो बड़ी जल्दी एडजस्ट कर लेते पाजी फटाफट। अभी आप गोरे देखना साड़ियां पहन के घूम रही होंगी अंग्रेजनिया, हम लोग नहीं कर सकते, हमारे लोग एडजस्ट करने में बहुत टाइम लेते हैं। कई वेस्टर्न टॉयलेट लग जाए ना कई कई साल तो उसमें भी इंडियन स्टाइल में बैठते हैं। नहीं नहीं प्रैक्टिस चलती रहती है उनकी, 10 साल यूज करने के बाद कहेंगे मजा नहीं आया। मजा कहां से आएगा, सारा ध्यान तो तुम्हारा बैलेंस बनाने पे था। और बाकी और बैलेंस बना के निशाना लगाने में भी लग गया। आप डिटेल में चले गए ना भाई। मेरा दोस्त है शशिकांत गांडकर, वो इंग्लैंड में फंस गया था ऐसे ही। बड़ा बड़ी भुगतना मुझे पड़ा था। मैं जब अंदर गया ना तो मामला खराब था ऊपर का। ओ मैं कहो ये क्या किया, कह रहा निशाना ठीक नहीं लगा। ये तो बाजी फिर भी अपना दिनेश नहीं गिटार वाला। ये तो एक दिन इसने पहली बार लगी ना इनके गांव में वेस्टर्न टाउन, तो इनको पता नहीं चला, इसकी मम्मी ने बताना भूल गई। आम लेके आया था, इसने कमोड़ देखा उसमें ठंडे लगा दी। ओके पर जो भी है पाजी, अपने देश की बड़ी याद आती है, स्पेशली जब आप लंदन में रह रहे हो। जैसे कि हम यहां पे देख लो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं पाजी, यहाँ पे आदमी आपस में टकरा भी जाए ना, ओह सॉरी आई डिडंट सी यू, सामने वाला बोलो नो ये बना आई एम सॉरी आई डिडंट सी यू, बात खत्म। हमारे इंडिया में दो लोग टकराते हैं तो ऐसा लगता है कि वेट कर रहे थे कि टकराएं। अबे अंधा है क्या तू? अंधा है, देख के नहीं चल सकता तू? नहीं देख के चल सकता? चल चल निकल ले तू, निकल ले चल निकल ले तू, निकल ले खड़ा रहा क्यों खड़ा रहूं, तेरे बाप ना करूं। बाप पे नहीं जाना, बाप पे नहीं जाना। तूने भी नहीं जाना? मैं कब गया हूं? तो चल के जाके देख ले। अबे चल चल निकल ले तू, निकल ले। मैं तो गया नहीं। तू नहीं गया? काम ही कोई नहीं, खड़े। अच्छा ये तो कहीं जाते नहीं क्योंकि काम है नहीं कोई, और लोग खड़े हो जाते हैं आगे लड़ाई झगड़ा देखने। फिर जो सबसे लास्ट में आता ना वो आगे पूछता है, भाई साहब क्या हुआ क्या हुआ? पता नहीं मेरे को तो अभी 20 मिनट हुए। अच्छा विदेशों में बच्चे पैदा होते हैं ना, पैदा होते ही अलग सुलाना शुरू करते हैं, थोड़ी प्राइवेसी रखते हैं वहां पे। हमारे यहाँ पे बच्चा जब बाप की उम्र का नहीं ना हो जाता तब तक घुस के सोता है। अच्छा आपने तभी नोटिस किया होगा दो बच्चों में हमेशा बहुत ज्यादा गैप रहता है कभी, इसी वजह से रहता है। पर खैर, पर पता है पाजी यही कारण है कि विदेशों में आप जाओगे ना अक्सर बुजुर्ग लोग जो होते हैं ओल्ड एज होम में पाए जाते हैं। लेकिन ये हमारी संस्कृति, हमें गर्व है कि हम ऐसी संस्कृति की देखरेख में पले हैं कि हमारे जो माँ बाप हैं हम नहीं चाहते कि वो कभी हमसे जुदा हो, और ना ही माँ बाप चाहते कि हम अलग जाके रहें, और ये हमारी संस्कृति है, हमें अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। और जिस तरीके से जिस कठिनाइयों से माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं हम लोग उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपना थोड़ा सा प्यार उनके प्रति दिखा के अगर हम सब ऐसा सोचना शुरू कर दें, मेरे ख्याल से भाजी बुढ़ापा जो है वो जिंदगी का सबसे बेस्ट फेस हो जाएगा। ये आप सब लोगों के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल भाजी, देसी और विदेशी कल्चर में इतना फर्क है कि एक दूसरे को समझने में बड़ा टाइम लग जाता है। फिर भी मैं दाद देता हूं उस लड़की को जो विदेश से आई और तकरीबन नहीं बल्कि 99% देसी हो चुकी है। हाँ सही कहा दामाद जी, बिल्कुल सही कहा, ये लड़की देसी होने वाली है। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे, कौन है ये? अरे ये अपना मोनालिसा, मोनालिसा पांव छो। ए मेरे पांव भाई, अरे छोटे छोटे पांव पांव, अरे उम्र में छोटी है तुमसे। अरे नहीं नहीं इट्स ओके इट्स ओके, अब तुम इसके पांव छो, तुम इसके पांव छो। अब मैं क्यों पांव छूं? अरे उम्र में छोटी है लेकिन रिश्ते में बड़ी है, ये तुम्हारी सास होने वाली है, मैं शादी करने वाला हूं। आपको शर्म नहीं आती कूड़ा खा खा के दांत काले की चले गोरी से शादी करने? कूड़ा नहीं खाना बेटा, कूड़ा नहीं, इसको एक्स्ट्रा फूड कहते हैं बेटा। अरे लेकिन इस उम्र में आपको दूसरी शादी करने क्या पड़ी है? मेरा 17 बच्चे हो गए, अब मैं लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ। आपको शर्म नहीं आती आपकी बेटी की उम्र की उससे शादी करने? बेटी की उम्र कहा, मंजू से 2 साल छोटी है। तुम नाराजी इतना नाराज क्यों हो रहे हो यार? सोचो जब तुम मोहल्ले में अकेले निकलोगे तो सब लोग कहेंगे वाह बिट्टू तुम्हारी तो सास ही बड़ी हॉट है। चलो आप तो जैसे हो वैसे हो। हाँ
आपको शर्म नहीं आई? अरे शर्म डिडंट कम टू यू? अरे इसको बहुत शर्म आती है, शर्मा के दिखाओ। शाय डू ये शर्मा रही है? तो ये बदतमीजी कैसे करती होगी? यही सोच के तो मैंने शादी की। ये मेरी ब्राइड मैच का ग्रूम। ग्रूम जैसा मुंह आपका, और ग्रूम बनेंगे आप उसके? कभी आपने सोचा सासू माँ पे क्या बीतेगी? मेरे दिमाग में उसके बारे में नहीं आता। मैं गया था उससे पूछने के लिए, वो सो रही थी, तो मैंने कहा ठीक। अरे मोनालिसा को पता आपके 17 बच्चे? क्या इसी बात से तुम इंप्रेस हुई है? ये तो कह रही थी कि मेरी जो स्ट्राइक रेट है वो विराट कोहली से भी ज्यादा अच्छी है। एक सेकंड, कम मोनालिसा, व्हाट डू यू लाइक इन दिस डर्टी मैन? Kim's hairstyle. What? Ah, hairstyle? Kim hairstyle. This is not hairstyle. 6 महीने से नहाया नहीं है ये। अरे तुम इसको क्या बता रहे हो? ये जो इसके बाल है, ये 8 महीने से नहीं नहाई है। ये ब्लॉन्ड थोड़ी है, मिट्टी फंसी हुई है इसके बालों में। और ये क्या, तुम हमारे घर में फूट डालने की कोशिश कर रहे हो? कौन सा घर, आपको शर्म नहीं आती? छतरी के नीचे सोने वाले लोग आप। पिछली बार बारिश के साथ हवा आई, इनका रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज हो गया। कहते हमने शिफ्ट कर लिया, कहते नया एड्रेस, कहते बेटा वो तो हवा रुकेगी तो पता चलेगा कहां शिफ्ट हुआ। मैं अभी मंजू को बुलाता हूं। मंजू? नहीं नहीं, मंजू को नहीं, मंजू ना, ना, ना। अच्छा, आप क्यों डर गए मंजू के नाम से? नहीं नहीं, डरा नहीं, मेरे को उसको सरप्राइज देना है बेटा। बड़े दिनों से कह रही थी आप पापा सरप्राइज नहीं देते, सरप्राइज नहीं देते। मैं कहा ठीक है मम्मी सरप्राइज दे दूंगा। अब ले आया तो उनको चाय पानी तो पिलाओ कुछ बेचारी को। हां ग्रीन टी, ग्रीन टी पी लो। I green tea with my coat matching. Listen, Mona Lisa, you are very fair, baby. Gori chitti. You want some gori chitti? You don't. I like white people. That's why I'm doing a film with man in white, Abbas Mastan. बुड्ढे के साथ कहां फंस गई? He's very dirty man. Dirty? Yeah, dirty. His actual weight is 62 kilo. But you know with Mal, you know Mal, when you rub with your hand with the other hand, something is come out as a black. 20 kilo is Mal. He is 62 with Mal. He is 82. Yeah. तुम तो इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम तो उसके दामाद से भी सेटिंग कर सकती थी। Myself only. But you are married. What? You are married. Not married. She's not my wife. She's fish. She's pomfret. Pomfret. So, मतलब Bollywood में होना चाहिए. Would you like to give audition for Bollywood movies? Yeah. Yeah. Oh, sorry. Okay. So I will say a dialogue. You just have to repeat that dialogue. Okay? कितने आदमी थे? थे. Have to repeat. Don't give information. Okay. 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 कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? Good, good. Now just say this dialogue with feel. कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? Now with more feeling. Say I love you. I love you. I love you too, Mona Lisa. हमने होने वाली सास के ऊपर डोले डाल रहे हो तुम? अरे नहीं, मैं तो एक्टिंग सिखा रहा था उनको। एक्टिंग वाले, मैंने सब सुन लिया। क्या कर इसको? मेरी बॉडी के ऊपर 20 किलो मैल जमी है। कैसे 20 किलो हो गई? परसों मैंने देखा था 16 किलो थी, दो दिन में 4 किलो कैसे बढ़ गई? है तुम्हें दिखा देती है माना। यू कम विद मी किचन। अबे जा रहा